बासित को मुझसे ज्यादा मोहब्बत मिलती है, मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। आप एक काम करें, आप दुआ करें कि मैं मर ही जाऊं। वाह भाई वाह, आज तो मेरी बेटी जल्दी उठ गई। तंज कर रहे हैं? तंज क्यों करूंगा बेटा मैं तुम पे, कल देख रहा था तुम परेशान थी, नींद नहीं हुई हुई थी तुम्हारी, तो इसलिए सोचा कि तुम आज देर तक सोओगी सुकून से। सुकून से सोना तो शायद मेरे नसीब में नहीं रखा हुआ। क्या बात है बेटा, क्या चीज परेशान कर रही है? समरीन माशाल्लाह से अपने घर की हो गई है, रूहान के साथ खुश है, निम्रा भी जो करना चाहती थी उसने कर लिया, और जहां भी होगी यकीनन इस घर से ज्यादा ही खुश होगी। खाली हाथ तो सिर्फ मैं रह गई ना। क्यों खाली हाथ रह गई बेटा, बासित है ना तुम्हारे पास? वो भी तो चला गया है घर छोड़ के। कभी आपने सोचा अगर मेरी जिंदगी से भी वो चला गया तो मेरे पास क्या रहेगा? नहीं बेटा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो इतनी तकलीफ मुझे नहीं पहुंचा सकता। अगर उसको आपकी तकलीफ की फिक्र होती तो अभी यहाँ होता, ऑफिस नहीं जाता। नहीं नहीं, तो ऑफिस के लिए तो बेटा मैंने ही उसको कहा ना कि मेरी तबीयत बेहतर है, तो वो ऑफिस हुआ है। यार आपने उसे क्यों कहा, आपने क्यों कहा कि आपकी तबीयत ठीक हो गई है? बेटा इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत वाकई ठीक हो गई है, इसलिए कह दिया। तो आप झूठ कह सकते थे, आप कह देते कि नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूँ, वो नहीं जाता। मैंने तुम्हें कभी झूठ बोलना सिखाया जो तुम मुझे झूठ बोलने का कह रही हो? आप नहीं चाहते ना कि मैं खुश रहूं, आप सिर्फ चाहते हैं कि जो बासित चाहे वही हो। इस घर में निम्रा को मुझसे ज्यादा मोहब्बत मिली, बासित को मुझसे ज्यादा मोहब्बत मिलती है, मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। आप एक काम करें, आप दुआ करें कि मैं मर ही जाऊं। बेटा सुन, शेजा कैसे संभालो इस लड़की को। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.